मैं सरवण सिंह पंदेर दिल्ली आंदोलन के दो मोर्चे से बोल रहा हूँ। जो नायब सानी जी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, जिनका बयान आए हुए अभी दो दिन हो गए, वो 24 फसलों का बोल रहे हैं अभी मैं MSP दूंगा। ये मुझे लगता हासोहीना बयान है। एक दो उनका जो राजकीय वित्तीय कोष है उसमें से कोई हमें प्रावधान नहीं नजर आया कि उन्होंने कोई वित्त का प्रावधान किया है कि वो फसल कैसे खरीदेंगे। जब उन्होंने अनाउंसमेंट किया है तो अभी तो धान की कटाई में काफ़ी समय बाकी है, बहुत सी फसलें अभी तो मंडी में है ही नहीं। अक्टूबर में हरियाणा के चुनाव हो जाएंगे, आगे की सरकार रहेगी या नहीं रहेगी ये तो हरियाणा के किसान मजदूर ने फैसला करना है। तो मुझे लगता उनका बयान इलेक्शन को ध्यान में रख कर दिया गया है और उस बयान में कोई सच्चाई है ही नहीं। जिस तरह से देखा जाए तो कोई भी इस तरह का बयान जो असत्य हो ऐसा बयान किसी भी मुख्यमंत्री को नहीं देना चाहिए। कल खेतीबाड़ी मंत्री जी ने राज्यसभा में कहा कि हम किसानों से बात करके मसलों का हल करेंगे। अच्छी बात है, किसान भी बातचीत से मसलों का हल चाहते हैं, लेकिन जो हमें लग रहा है केंद्र की नीयत और नीति में बहुत फर्क है, अंतर है। वह मसलों का हल नहीं करना चाहता और लगातार हरियाणा का बॉर्डर बंद करके जो पंजाब हरियाणा के व्यापारी हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, आम जनता, उनको तंग करना चाहता है। तो अच्छी बात होगी अगर सरकार बातचीत का रास्ता खोलेगी तो। धन्यवाद। मैं सरवण सिंह पंदेर दिल्ली आंदोलन के दो मोर्चे से बोल रहा हूँ। जो नायब सानी जी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, जिनका बयान आए हुए अभी दो दिन हो गए, वो 24 फसलों का बोल रहे हैं अभी मैं MSP दूंगा। ये मुझे लगता हासोहीना बयान है। एक दो उनका जो राजकीय वित्तीय कोष है उसमें से कोई हमें प्रावधान नहीं नजर आया कि उन्होंने कोई वित्त का प्रावधान किया है कि वो फसल कैसे खरीदेंगे। जब उन्होंने अनाउंसमेंट किया है तो अभी तो धान की कटाई में काफ़ी समय बाकी है, बहुत सी फसलें अभी तो मंडी में है ही नहीं। अक्टूबर में हरियाणा के चुनाव हो जाएंगे, आगे की सरकार रहेगी या नहीं रहेगी ये तो हरियाणा के किसान मजदूर ने फैसला करना है। तो मुझे लगता उनका बयान इलेक्शन को ध्यान में रख कर दिया गया है और उस बयान में कोई सच्चाई है ही नहीं। जिस तरह से देखा जाए तो कोई भी इस तरह का बयान जो असत्य हो ऐसा बयान किसी भी मुख्यमंत्री को नहीं देना चाहिए। कल खेतीबाड़ी मंत्री जी ने राज्यसभा में कहा कि हम किसानों से बात करके मसलों का हल करेंगे। अच्छी बात है, किसान भी बातचीत से मसलों का हल चाहते हैं, लेकिन जो हमें लग रहा है केंद्र की नीयत और नीति में बहुत फर्क है, अंतर है। वह मसलों का हल नहीं करना चाहता और लगातार हरियाणा का बॉर्डर बंद करके जो पंजाब हरियाणा के व्यापारी हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, आम जनता, उनको तंग करना चाहता है। तो अच्छी बात होगी अगर सरकार बातचीत का रास्ता खोलेगी तो। धन्यवाद।